जितनी बड़ी बनती है तो वहां पर आप प्रोवाइड करें, वो कोई गाड़ी कोई रिश्तेदार, उसकी रेट भी 50 रुपए से ज्यादा नहीं है। जो चावल है एक्सपोर्ट उल्टी होता है, क्योंकि नीचे वाले एरिया में बर्फ नहीं पड़ती है और ऊपर वाले एरिया में बर्फ पड़ती है। क्या है सर? आज का जो ये हमारा प्रोग्राम था 23 अक्टूबर का, ये किसान मेला आत्मा के तहत हमने यहाँ पे मुनक्कद किया था, क्योंकि हमने चाहा, क्योंकि बॉर्डर एरियाज पे हम कम ही फोकस कर पाते हैं, तो इसलिए हमने डिस्ट्रिक्ट जगह इस जगह को चुना और यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम आज मुनक्कद किया जो बहुत ही बढ़िया रहा। इस प्रोग्राम का जो मकसद है, बेसिकली हम ये फार्मर्स को एक प्लेटफार्म देते हैं कि जहाँ से उनको जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज है, एडवांसमेंट है, तो उससे उनकी जानकारी देते हैं, तो मकसद यही होता है, तो उनको वो टेक्निक से पता चले और उनकी जो इनकम है, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इस हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो लक्ष्य है कि हमारी फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल हो जाए। तो इस किसान मेला हम आए दिन हर साल करते रहते हैं, ताकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होने वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं, सबसे पहले मकसद यही रहता है कि लोगों में उसकी अवेयरनेस को है जो उजागर किया जा सके। उसके अलावा डिपार्टमेंट में नई जो टेक्नोलॉजीज आती हैं, नए इंटरवेंशंस होते हैं, उनका भी डिस्प्ले हम स्टॉल्स के जरिए यहाँ पे रखते हैं, ताकि लोग हमारे स्टॉल्स पे विजिट करें और उन टेक्नोलॉजीज को देखें कि किस तरह से वो उनका इस्तेमाल करके अपनी फसलों में उनकी पैदावार को बढ़ा सकें और उसके बाद अपने रोज़मर्रा की आमदन जो है उसमें इजाफा कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर हनान शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कुपवाड़ा से। आज जो हमने जो किसान मेला था यहाँ पे, हमने शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से स्टॉल लगाया गया, और ये जो स्टॉल में बहुत सारे जो लोग आए थे, इनको डिफरेंट जो डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं उनके बारे में बताया गया। जो डिपार्टमेंट में जो मेन स्कीम है वो है ISDS, जो ISDS है, ये इनकम जनरेटिंग शीप यूनिट स्कीम है। तो इसका मेन मकसद है कि जो यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए। जो ISDS स्कीम है, इसमें दो इसके कंपोनेंट्स हैं, इसमें हम शीप यूनिट 20 ईयर्स का और 10 ईयर्स का शीप यूनिट देते हैं। जो 10 ईयर्स का शीप यूनिट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं, और जो 20 ईयर्स का शीप यूनिट है वो हम 50% सब्सिडी मोड पे देते हैं। और जो दूसरा कंपोनेंट है उसमें हम शेयरिंग प्लांट देते हैं, जो 1,50,000 का होता है और उसमें 50% सब्सिडी, दैट इज 75,000 का वो मिल जाता है लोगों को। और जो मेन स्कीम है आजकल जो HADP की, उसके थ्रू 50 एनिमल्स का कमर्शियल शीप यूनिट हम देते हैं, जिसमें 2,50,000 जो है सब्सिडी। देखिए, मैं 2 साल कबल रिटायर हुआ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। थोड़ी सी हमें फसलात की जानकारी होती है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट फसलात की 2 बार गिरदावरी करते हैं, फसल रबी और फसल खरीफ। तो उसके लिए हमें जो है पहले से जानकारी होती है कि फसलात रबी में क्या फसल होती है और खरीफ में। तो अब मुझे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने
मैंने अप्लाई किया था तो हाई टेक ग्रीन पॉली ग्रीन हाउस मुझे सेंक्शन हुआ, जो कि मैंने अपने बजाती खुद उसकी तामीर कराई, इंस्टॉल किया। इंस्टॉल अभी 5 हफ्ता हो गया, इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मेहनत करके उसमें साल में 3 से 4 फसलें पैदा करके, सब खासकर सब्जियों की यहाँ इस करना में ज़्यादा दिक्कत है, सब्जियां बहुत महंगी है और सड़ी गली कश्मीर से जम्मू से बाहर की सब्जियां आती हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि ये सब्जियों की पैदावार में बढ़ावा करके इसमें प्रोग्रेसिव करके, तो इसमें इजाफा करके मैं मार्केट में बेचूं।